चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, आज हम 12th हिस्ट्री के विषय अर्थात अध्याय 6 का जो शेष पॉइंट है वो पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन। तो एक बार आप लोग पेन को नीचे रखिए और फिर सुन लीजिए कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की क्या स्थिति थी। जी, एक बार पेन नीचे रखिए। हम ये बताने जा रहे हैं कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का क्या रूपरेखा था, क्या स्थिति थी। बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं भक्ति आंदोलन पर थोड़ा सा दो लाइन बोलना चाहता हूँ। वैसे मैंने कई बार बोला हूं, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिएगा। अतः जिससे हम पूछेंगे वो बताएंगे हमें कि भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं। ओपी ओपी को मत उल्टाइए, मैं जिसको पूछूंगा वही बताइए प्लीज। और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं वर्तिका राज से। जी वर्तिका, बोलो बाबू, भक्ति आंदोलन क्या समझते हैं आप, बताइए अपनी भाषा। भक्ति आंदोलन उस भक्ति आंदोलन का तात्पर्य उस आंदोलन से है जो आंदोलन धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आवाज उठाई जाती है। राइट, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम चलते हैं दिलीप के पास। दिलीप दिनकर जी, आवाज सुन पा रहे हैं? दिलीप दिनकर आवाज सुन रहे हैं? आवाज आप अपना खोलिए पहले। अच्छा, बात है ना, किसी को रखते हैं साथ में जी कुछ सर, बोलते हैं। दिलीप जी बताइए तो भक्ति आंदोलन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, अपनी भाषा में। कॉपी नहीं उल्टाई प्लीज, ये तो बेमानी हो गया। कॉपी नहीं उल्टाना है ना, अपने मन से बोलना है, कुछ गलत सही कुछ बोलिए ना। इधर मेरे तरफ आंख रखिए, नीचे कीजिएगा तो फिर मारेंगे। जी बताइए भक्ति आंदोलन, भक्ति क्वेश्चन आंदोलन से आप क्या समझते हैं। फिर पिछला क्लास में हमने बताया था बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रात को पढ़िए प्लीज, ये दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बोले इसके बाद दीपक कुमार सर, जी, दीपक आवाज अपना खोलिए आप। दीपक जी ये बताइए भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बड़ी दुख की बात है कि मैंने कई बार इसको बताया, अभी अभी भी वर्तिका राज भी बताई और आप लोग उसको कैच नहीं कर पाए। सॉरी मेरे भाई, नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर मनीष बड़ी ही मुस्कुरा रहे हैं, लगते हैं कि इसके पास है, लेकिन मनीष बोलो तो बाबू रे। दीपक अपना आवाज बंद कर लीजिए। मनीष बता सकते हैं, नहीं बताइए भक्ति आंदोलन सर, क्लास उस दिन नहीं किए हम। क्यों नहीं किए। नहीं किए तो यूट्यूब पर भी तो देते हैं ना हम, वहां से भी देख के सपोर्ट कर लीजिए ना प्लीज। खाना पूर्ति नहीं करना है कि भाई हमने सिलेबस पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, ऑनलाइन से जुड़ लिए तो हो गया पढ़ाई। नहीं, दो बार में सुने होंगे एक बात कि पढ़ना नहीं गढ़ना है। गढ़ने का क्या मतलब हो गया, वो चीज करना है। पढ़ने का मतलब तो हो गया कि ऑनलाइन से जुड़ गए, दिखा दिए गए, ऑनलाइन से जुड़े हुए, स्कूल चले गए। स्कूल चले जाने से थोड़े हो जाता है, गहराई का मतलब होता है कि वहां जो पढ़े उसको गहराई से लेना, वही गहराई कहा जाता है। प्लीज नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका प्लेसमेंट भी है, याद रखिएगा, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर थे तो प्लेसमेंट मिलता था नहीं जवाब देने के बाद, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा प्लेसमेंट, ऐसा मत सोचिएगा। मेरे पास एक पर एक ट्रिक है, दिमाग है, जिससे मैं आपको विवश कर दूंगा एसएसटी पढ़ने के लिए, जो आप विषय पढ़ते हो पढ़ने के लिए। प्लीज
इसके बाद में थोड़ा सा एक और है जो देखते हैं, पूनम कुमारी जी बताएंगे आप, पूनम भक्ति आंदोलन क्या है, पूनम कुमारी भक्ति आंदोलन क्या है, आवाज अपना पहले खोलिए पूनम। आवाज आपका नहीं खुला, कोना में है, म्यूट जैसे उसको कीजिए ना। कहाँ गए मिथिलेश, शुरू कर रहे हैं तो फिर कहाँ भाग गया रे। हाँ पूनम बोलो, भक्ति आंदोलन ऐसे होगा तब यूट्यूब पर हम देते हैं तो उसको भी तो कम से कम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। यूट्यूब पर देते हैं उसको भी देखिए कम से कम, नहीं तो पूछिए अभी क्लास में सर, तुमने बैंडेड है कि आप नहीं पूछ सकते हैं, जवाब नहीं देते तो हमको बड़ी दुख होता है ना। कोई भी खेती करे, कोई भी काम करे और उसके रिटर्निंग नहीं मिले तो क्या दिक्कत होगा, ये रिटर्निंग है ना। प्लीज नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं था भक्ति आंदोलन पर, फिर से एक बार भक्ति आंदोलन आप लोग सुन लीजिए। भक्ति आंदोलन मैंने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ है उसी को कहा गया भक्ति आंदोलन। बस धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ है उसी को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। एकदम छोटा सा परिभाषा याद रखना। अब आ जाइए, भारत उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में लगभग बांट के हम लोग बोलते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो यहां पर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन, अर्थात उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का क्या रूपरेखा है वो आपको जानना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, 8वीं से 18वीं सदी के बीच उत्तरी भारत में भी भक्ति आंदोलन काफी जोर शोर से आगे बढ़ा था और इस आंदोलन के दो प्रमुख शाखा थे। याद रखिएगा, दो प्रमुख शाखा थे, एक को कहा गया था सगुण परंपरा और दूसरा को कहा गया था निर्गुण परंपरा। याद रखिएगा, दो प्रमुख शाखा थे, एक सगुण परंपरा, दूसरा निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा या सगुण परंपरा वाले भक्ति आंदोलन के उस शाखा को कहा गया था जिसमें ईश्वर के रूप का पूजा होता था, उसके लिए मंदिर इत्यादि बनाए जाते थे, उसको कहा जाता था सगुण परंपरा। और निर्गुण परंपरा, निर्गुण परंपरा में ईश्वर के रूप का पूजा नहीं होता था, ईश्वर को निराकार माना जाता था। और इन्हीं दो शाखा ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया है, अर्थात धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां थी उसको हटाने का प्रयास किया है, धार्मिक क्षेत्र के परिवर्तन किया है, नए नए धार्मिक मार्ग का भी इन्होंने निर्माण किया है। इन्हीं दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो शायद उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन की थोड़ा सा रूपरेखा था छोटा वो बताए, थोड़ा सा कुछ व्यक्ति का भी नाम ले लेते हैं। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने, भक्ति आंदोलन को आरंभ करने में नाम सुने होंगे कबीरदास, रामानंद, मीराबाई, गुरु नानक, ये सब व्यक्ति का अहम भूमिका है। इन्हीं लोगों के द्वारा उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। तो शायद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जो रूपरेखा था थोड़ा सा वो जान गए, बस चार लाइन लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम फिर सगुण परंपरा निर्गुण परंपरा अलग करके फिर उन दोनों के विषय में बताएंगे। जितने व्यक्ति का नाम लिए हैं सब व्यक्ति का क्या योगदान है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के रूप में वो भी बताएंगे। चलिए तो इसमें लिखिए, तो भक्ति आंदोलन 8वीं से 18वीं सदी के बीच में उत्तरी भारत में भी भक्ति आंदोलन आरंभ हुई थी और वह प्रभावशाली भी साबित हुआ था। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख शाखाएं थी, पहला सगुण परंपरा और दूसरा निर्गुण परंपरा, प्रग्राप चेंज। यह दोनों परंपरा के द्वारा उत्तरी भारत में अनेकों धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाए गए और कई नए धार्मिक मार्ग का जन्म भी हुआ। तो इस तरह से
आपने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जो छोटा सा स्वरूप था उसको आपने जाने। अब हम सबूत परंपरा को बताने जा रहे हैं डिटेल। जी आप लोग बीच टॉपिक के बीच में लिखिए शगुन परंपरा। शायद ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब पेन थोड़ा सा नीचे रखिए और इसके विषय में समझ लीजिए। वैसे मैंने अभी भी इस पर चर्चा की है सगुण परंपरा। हमने बताए थे कि भक्ति आंदोलन के उस शाखा को सगुण परंपरा कहा गया जिसमें ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती थी उसको सगुण परंपरा कहा गया। और इसके प्रमुख समर्थक या जन्मदाता भी कह सकते हैं रामानंद थे। इन्होंने ही सगुण परंपरा को जन्म दिया और बढ़ावा भी दिया था रामानंद। इसके बाद इसके भी और भी कई थे। चैतन इसके दूसरे प्रमुख महापुरुष या संत थे। किसका? शगुन परंपरा के, जो ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानकर उसका पूजा आराधना करने पर जोर दिए थे। तो शायद शगुन परंपरा भी समझ गए होंगे आप लोग। अब अगर इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत है आप पहले पूछ लीजिए, उसके बाद हम दिखाएंगे। जी ये सगुन परंपरा में किसी भी तरह की अगर दिक्कत है आपको सगुन परंपरा से संबंधित बात को समझने में, तुमसे आप पूछ सकते हैं। फिर से बता दीजिए एक बार सगुन परंपरा। हमने सगुन के मतलब क्या है? सुन लीजिए, मैंने सगुन परंपरा का मतलब बताया है कि धार्मिक क्षेत्र के उस विचारधारा से सगुन परंपरा का अर्थ है, संबंध है, जिसके अंतर्गत ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती थी उसको सगुन परंपरा कहा जाता। और इसके जन्मदाता मैंने कहा कि रामानंद थे और दूसरा महापुरुष चैतन्य थे, जो उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन अर्थात धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए इन्होंने आगे आया था। अब शायद समझ गए इसको। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए, लिखिए सगुन परंपरा का मतलब उस धार्मिक विचारधारा से है जिसमें ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती थी। इसके प्रमुख संत रामानंद और चैतन्य थे। उन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को काफी अधिक प्रभावशाली बनाया था। प्रग्राफ चेंज। रामानंद के आराध्य देव राम थे। उन्होंने राम की भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की बात करते थे। उन्होंने भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिए थे, यहां तक कि अछूत को भी मंदिर में जाकर पूजा करना उचित बताया था। इस तरह से रामानंद के प्रयास से ब्राह्मणों के जो मन में अछूत के प्रति घृणा थी वो थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि ये काफी विरोध किए थे। चूंकि एक धार्मिक क्षेत्र का एक कमी ही कहा जाता है ना, ईश्वर तो किसी एक आदमी को हो ही नहीं सकता, वो तो सबका है, तो फिर अछूत को क्यों नहीं वहां तक पहुंचने दिया जाता था। इसलिए रामानंद
ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर धार्मिक क्षेत्र में जो बहुत सारी बुराइयां थी उसको हटाने का उन्होंने जो प्रयास किया, उसके लिए आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया उसे नमन कर रही है। आज अछूतों को उन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार ही दिलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुंच रहा था उससे भी उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। अब है मेरे भाई अगला इसी का शगुन परंपरा, सॉरी निर्गुण परंपरा। शायद निर्गुण परंपरा पर भी अभी भी चर्चा हमने किए हैं, लेकिन पहले लिख लीजिए उसके बाद देखिए क्या होता है निर्गुण परंपरा। बिल्कुल, अभी भी हमने बताए थे कि धार्मिक क्षेत्र के उस विचारधारा को निर्गुण परंपरा कहा जाता है जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया है। ईश्वर को कहा गया है कि कोई रूप ईश्वर का नहीं होता है, अतः मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा इत्यादि का विरोध किया गया है निर्गुण परंपरा। तो और इसके प्रमुख जो संत हैं वह कबीरदास हैं और गुरु नानक हैं, ये सब इसके प्रमुख संत हैं। वैसे 3 मिनट टाइम है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिए। निर्गुण परंपरा का मतलब उस धार्मिक परंपरा से है जिसमें ईश्वर को निराकार मानकर उसकी पूजा होती थी। कबीर, गुरु नानक इसके प्रमुख संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में धार्मिक क्षेत्र में अनेकों सुधार किए थे। तो इस तरह से आपने निर्गुण परंपरा का क्या मतलब होता है, निर्गुण परंपरा के कौन कौन संत थे उसके विषय में आपने जाने। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसके जो प्रमुख संत थे कबीर और गुरु नानक इसके संबंध में मैंने स्पेशल बताऊंगा दोनों का अलग अलग करके कि दोनों का क्या योगदान था। लेकिन आज समय बहुत कम है, लगभग समाप्त हो रहा है समय, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।